सो गाइस अभी शायद हम लोग रास्ता भुला गए हैं और कहाँ ये पता नहीं गाड़ी घुसा दिया, पता नहीं चल रहा है किसका घर हो रहा है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना यहाँ पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से बारिश हो रहा था। हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्लॉग गाइस। सो आज है 11, क्या है आज 11, क्या गुंडा बनेगा रे तू, 11 जुलाई 11th of जुलाई है और आज काफ़ी टाइम बाद रमेश रांची से फिर वापस आया तो अभी हम लोग थोड़ा घूमने निकल रहे हैं। अभी शाम हो चुका है, थोड़ा बारिश वाला माहौल है तो देखते हैं और आपको ब्लॉग में आगे मिलते हैं। और कल ही इसका बर्थडे भी था तो कल तो आया नहीं तो अब पार्टी तो लेना पड़ेगा, इसीलिए आज पार्टी होगा। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। सो अभी यहीं सामने नदी है हम लोग का तो वहीं चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हो सकता है और क्या कर सकते हैं। तो गाइस ये जो जगह है इसको हम लोग यहाँ कहते हैं दो मोहनी। तो दो मोहनी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो उस पॉइंट पर दो नदी जो है, एक स्वर्णरेखा और एक खड़खाई, जो दोनों नदी है वो आकर एक ही पॉइंट पर मिलता है तो इसीलिए इसको कहते हैं दो मोहनी। मतलब यहाँ पर जितना पिकनिक वगैरह होता है आसपास के सारे लोग जिसको पिकनिक मनाना होता है वो यहीं पर आ जाते हैं। लेकिन जो पानी देख रहे हैं इतना पानी कभी नहीं रहता है, मतलब कि इतना पानी पता नहीं अभी जो बारिश के कारण इतना ज़्यादा है वरना इतना कभी नहीं रहता है। और यहाँ पर जो एक पत्थर दिख रहा है ना, ये पत्थर पे तो हम लोग चढ़ के खेलते हैं, यहाँ पर यहाँ से पानी में कूदते हैं, इतना ऐसा रहता है। पर अभी पानी पूरा उफान में है तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। सो अल्ट्रा वाइड में शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसा है ये जगह। गाइज अभी तो काफ़ी टाइम यहाँ पे हो गया है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जिनको भी थोड़ा बहुत मतलब दोस्तों के साथ टाइम बिताना होता है, और कुछ लोग ऐसे घूमने फिरने भी आते हैं। और यहाँ पर ना ऐसा नाव भी चलता है, यहाँ पर नाव भी चलता है तो फिर लोग यहाँ से पार करके रोज पार जाते हैं। उस पाँव में एक मंदिर है शिव भगवान का, तो अभी जो सावन आने वाला है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए और भी घूमने के लिए। तो अभी यहाँ पर तो हम लोग घूम चुके हैं ठीक ठाक और अभी चलते हैं वहाँ पर। हुआ तुम्हारा फोटो लेना, हुआ चलते हैं अभी इसके बाद और वो दूसरे जगह पर चलते हैं जहाँ पर हम लोग ज़्यादातर जाते हैं। यहाँ पर बहुत कम ही आते हैं हम लोग, यहाँ पर आज बहुत मूड हुआ तो आए हैं वरना ऐसे नहीं आते हैं। और यहाँ पर क्लाउड्स बहुत अच्छा लग रहा है देखने को। और इसी जगह पर छठ पूजा भी होता है तो हम लोग छठ पूजा के ओकेजन पर भी आते हैं। बस वही टाइम रहता है जब हम लोग आते हैं, दो ही बार आ पाते हैं शायद, दो या तीन बार, ज़्यादातर ऐसे यूजुअली नहीं आते वहाँ। अभी जिस जगह पर जाएंगे वहाँ पर हम यूजुअली जब भी रमेश आता है या फिर जब भी अजय आता है तब यूजुअली वहीं जाते हैं हम लोग। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, पार कर ही लिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी लोग आते हैं, मस्त यहाँ पर बैठे रहते हैं, अच्छा लगता है यहाँ। और शायद आपको उतना आवाज़ नहीं आ रहा होगा नदी का आवाज़ की वजह से, लेकिन अभी जहाँ जाएंगे वहाँ उतना आवाज़ नहीं आता है। A few moments later. So guys, अभी शायद हम लोग रास्ता भुला गए हैं और कहाँ ये पता नहीं गाड़ी घुसा दिया, पता नहीं चल रहा है किसका घर हो रहा है, मारेगा समझा ना, पकड़ लिया।
चोर बोलते हैं। वहाँ देखना अंदर में आम का भी पेड़ घुसने से होगा। तो अभी ये डर गया है और डर के अभी गाड़ी घुमा रहा है। गाड़ी घुमाएंगे बट फर्स्ट उधर जाके देखते हैं क्या है क्या, क्योंकि पहले हम लोग जब छठ पूजा में आया करते थे ना तो इधर अमरूद के बहुत, चाबी निकाल लो गाड़ी का, अमरूद के बहुत पेड़ होते थे तो अभी देखते हैं यहाँ पे अभी भी अमरूद का पेड़ है कि नहीं है। अगर कुछ और मिला तो इसका अमरूद की जगह कुछ और मिलेगा इसको। वो वहाँ पे खेत उत है आगे में, वहाँ देखना खेत उत है। यहाँ पर ना इनका अपना कुछ खेत उत है, यहाँ पर कुछ लगा है। जाओ ना अमरूद देखा तेरे को, झोंटा पकड़ के घुमाएगा ना तेरे को अमरूद मिलेगा। अभी डर के गाड़ी घुमा रहा है और इसका हिम्मत नहीं है अंदर जाने का, तो अभी वापस जा रहा है। चलो को खिला, खरीद के खिला देंगे। चलो तो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग यूजुअली आते हैं जब भी हम लोग को टाइम मिलता है। हम रमेश शायद जो सबका ये फेवरेट जगह है, इस जगह को ऐसे सनसेट पॉइंट बोलते हैं। ऐसा आ रहा ना आवाज लेके पौ किया हुआ। हाँ यहाँ ये मतलब ये ना बस दो एक किलोमीटर में ये जाके नेशनल हाईवे में मिल जाता है, इसीलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है इसमें। बड़े बड़े गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है और हॉर्न भी बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। तो यूजुअली हम लोग को जब भी टाइम मिलता है हम लोग यहाँ आ जाते हैं और ये सबका फेवरेट जगह है। मतलब इसको सनसेट पॉइंट बोलते हैं, जमशेदपुर में बहुत फेमस है। और ये क्या है कि थोड़ा सिटी से मतलब बाहर है तो ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते हैं और बहुत ही शांत रहता है ये जगह। और मतलब कि एक साइड में यहाँ पर पहाड़ है, एक साइड में यहाँ पर नदी है और सनसेट भी होता है इस जगह पर। अभी बादल है बोल के नहीं तो यहाँ पर बादल की जगह पे आपको सनसेट दिखेगा। बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सबको यहाँ पर आकर एक्सप्लोर करते हैं, फोटोशूट के लिए बहुत लोग आते हैं। तो अगर आप भी आसपास कहीं रहते हैं तो इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको भी आना है जमशेदपुर में रहते हैं तो प्लीज़ आइए यहाँ पर हो सके तो थोड़ा शाम होने से पहले आइए, क्योंकि ये उतना सेफ़ नहीं है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, एक्सप्लोर करने बहुत अच्छा लगेगा और बार बार आप आएंगे। ठीक है तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, बात कर लेते हैं उसके लिए आप। अभी यहाँ पर रुक गए हैं एक जगह पे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बारिश हो रहा था, अभी तो थोड़ा सा कम हुआ है। और ये देख सकते हैं यही जो है ये दलमा है और यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, ये रोड के किनारे कोई ये कोई घर है इसमें रुके हुए हैं। और अभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से अचानक से बढ़ गया था, फिर अभी तो कम हो गया। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं ना यहाँ पे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि जो पहाड़ है वो बादल से ना टच कर रहा है और इतना अच्छा खूबसूरत सा नज़ारा बन रहा है ना कि क्या बोले, यहाँ से जाने का और मन नहीं कर रहा है। पर जाना भी ज़रूरी है, जैसे ही बारिश रुकता है हम लोग जाते हैं। बेचारा गाड़ी हम लोग का भींग रहा है।
गाइस ये इस जगह को हम लोग बोलते हैं गौरी घाट, और इस जगह पर क्या होता है कि छठ पूजा वगैरह जो होता है इसी घाट पर होता है। और वहाँ पर अगर देख सकते हैं ये जो पहाड़ है यही दलमा पहाड़ है। अगर आप वो दलमा वाला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप। वाओ, एक मिनट वहीं रख 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 रख। वाओ, क्या मस्त आ रहा है। वाओ, और इसी घाट पर छठ पूजा वगैरह भी होता है। और वहाँ पर जो है छठ, अगर आप दलमा वाला ब्लॉग देखें तो उस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट के बीच कहीं पर एक लाइट भी जलता है, अभी क्लाउड के वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ पर हम लोग गए थे। अगर दलमा वाला ब्लॉग आप नहीं देखें तो उसको जाकर प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं।